हेलो हेलो एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। यस, चलिए आज की क्लास में शुरू करने वाला है IFSCA। ये क्या होता है IFSCA? CA वालों का कुछ है क्या? हमें क्यों पढ़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, CA वालों का नहीं है ये। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको नवनी मैम ने बहुत बार पढ़ाया होगा कि बेटा ये वाला प्रोविजन IFSCA के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये वाला प्रोविजन IFSC पे अप्लाई नहीं होता। ये IFSC क्या है बार बार जिसको हम कह रहे हैं, अरे नहीं, तेरी कोई बात नहीं। जैसे कई बार बहुत स्पेशल लोग होते हैं ना आपके पास, नहीं, इसको रहने दो, है ना। जैसे बहुत स्पेशल लोग होते हैं, उनको जरूरी नहीं है सीट बेल्ट वगैरह लगाए, जरूरी नहीं है हेलमेट लगाए, स्पेशल लाइन मिल जाती है, VIP लाइन में एंटर कर जाते हैं। कह रहे सर ऐसे ये VIP है, और हो सकता है भाई पेपर के लिए भी VIP बन जाए। ऐसा क्या सर? हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। बट फिलहाल सर, IFSC है क्या? IFSC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहता हूं एक ऐसा सर्विसेज सेंटर जो डील करता है। अब एक बात बताओ यार, हम ये बुलेट ट्रेन क्यों लेके आ रहे हैं सर? बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, या हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से पैसा इंडिया में आए? क्यों आए? हम अपने पैसे से काम चला लेंगे। ये हम कोशिश करते हैं बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ पे आए। क्यों आए? क्यों? हम अपने से काम नहीं चला सकते क्या? क्यों आए सर? आप किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों जाते हो? या रिश्तेदार आपके यहाँ क्यों आता है सर? इसलिए ताकि सर मेलजोल बढ़ेगा। हाँ, आपके पापा या फैमिली में कोई भी अगर बिजनेस में है तो वो बाहर टूर पे क्यों जाते सर? बिजनेस बढ़ाने के लिए। यस, अबे भाई तुम किसी के यहाँ जाओगे, कोई तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम किसी को माल बेचोगे, वो तुम्हारे को माल बेचेगा, तो चलेगा ना बंदा? बंदा बंदा और धंधा दोनों टनाटन चलेगा फिर। यार अच्छा, कह रहा सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा हम एक ऑप्शन आपको बता के बनाते हैं, विच इज IFSC। टडिन टडिन क्यों हो रहा है बार बार? ऐसा क्या? हाँ, बार बार नॉक नॉक क्यों कर रहा है ये? अरे यार IFSC एक बार ही लिख रहा था, तीन चार बार ही लिख दिया तूने यार। पिंटू, पिंटू कौन है? मेरे जैसे अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंप्यूटर जी बोलते हैं ना, कंप्यूटर जी, ऐसे मैं इसका नाम रखा हुआ पिंटू। IFSC है क्या? कह रहे देखो सर, जो डील करता है इट डील्स विद कैपिटल इंटरनेशनली, या मैं कहूंगा डील्स विद फ्लो ऑफ कैपिटल इंटरनेशनली। अच्छा, मतलब बाहर से कोई पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। सर ये तो होता ही रहता है ना, बैंक वगैरह यही तो करते हैं। शाबाश, अरे भाई साहब मजा आ गया एकदम, क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया सर। बैंक यही तो करते हैं। अब हमारे को भी देखो, अगर सर मेरे को भी तो पैसा चाहिए ना, अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया US में, तो US से जो पेमेंट आएगी सर वो US डॉलर में आएगी ना सर। भारत देश को तो US डॉलर चाहिए ना, क्योंकि जब हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप जाओगे, जब आप यहाँ से कहीं घूमने चले जाते हैं, यहाँ से बताओ कहाँ चलोगे घूमने? बताओ सर, दुबई ले चलो, चलो दुबई चलते हैं सर, खर्चा आपका। अरे एग्जाम्पल में कहीं मर्जी चलो, तुम जहां बोलो तुम्हारे सर एग्जाम्पल में लेके चलेंगे तुम्हारे, ठीक है। दुबई के और कोई महंगी जगह ढूंढ लो, ऑस्ट्रेलिया चल लो। ऑस्ट्रेलिया में मैं रुपए लेकर जाऊंगा तो क्या वो रुपीज, इंडियन रुपीज चलेंगे वहां? नहीं चलेंगे सर। क्यों सर? वहां पर वहां की फॉरेन एक्सचेंज चलेगी। इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है US डॉलर सबसे ज्यादा चलने वाला, चलता यूरो भी है, जापानीज येन भी चल जाता है। चलने को तो भाई साहब अभी इसराइल की लड़ाई चल रही है, लोगों ने बहुत सारी इसराइली करेंसी खरीद ली है क्योंकि डाउन आ जाएगी, आज से 20 साल बाद वापस वो लेवल चेंज कर जाएगा, आप बिना कुछ करे पैसा कमा जाएंगे, है ना। यूरो आपने सुना होगा। कह रहे सर इन चीजों में पैसा चाहिए होता है। मैंने कहा अच्छा, इसीलिए फॉरेक्स इंपॉर्टेंट है, और फॉरेक्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास IFSC की फॉर्म में एग्जाम्पल बैंक्स, एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग और बात करें इंश्योरेंस कंपनीज। ऐसा क्या? ये सब के सब लोग हमारे IFSC के एग्जाम्पल्स हैं, ये IFSC है। अच्छा, आज तक पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। हाँ। अब हर एक कंपनी देखो, आज अगर हम बात करें बाबा रामदेव की कंपनी हो, चाहे मैं बात करूं रिलायंस की, हर कोई इंडिया से बाहर जाके बिजनेस करना चाहता है। बहुत जल्दी PW भी देखेगा भाई इंटरनेशनली। अब हर कोई इंडिया के बाहर बिजनेस करना चाहता है, कह रहा हाँ, कह रहा। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि भाई किस तरीके से इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर फॉरेक्स आए। आपने देखा है मार्क जुकरबर्ग ने रिलायंस में पैसा लगा रखा है,
ऐसा है क्या यूके में बहुत सारी कंपनीज ने अदानी में पैसा लगा रखा है ऐसा? हाँ, तभी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद भी भाई हिला नहीं। यार अब आईएफएससी के अंदर मैं बात करूं तो तीन चीजें हमारे को देखने के लिए मिलती हैं। कभी भी आईएफएससी की हम बात करेंगे तो इट हैज थ्री, तीन स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, या इसके अलावा मैं बात करूं एनएससी के ऊपर जो आईएफएससी है उसकी बात कर रहे हैं। आप एनएससी बीएससी इसी को जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीएक्स को जानते होंगे या सर, या तो फिर इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। यार ये चीजें निकल कर यहां पर आती, तब बहुत बढ़िया। अब अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट हो, चाहे पॉलिसीज हो, रेगुलेशन हो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज है, कह रहे सर यही बंदा आकर डील करेगा। सर वो ये आईएफएससी पेपर में कितने नंबर का आता है भाई? ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो ये चैप्टर ही नहीं था, न्यू सिलेबस में चैप्टर आया है। अच्छा ऐसा क्या? यस क्या सर, अब एक बात बताओ, आईएफएससी की अगर हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो ये करते क्या है? मैंने कहा यार देखो, पहली बात तो ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले हैं, एंड दे डील विद फ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। सर अच्छा ऐसा क्या? यस अब जैसे मैंने बताया भी कि आईएफएससी के अंदर देयर इज वेरी हाई कंसेंट्रेशन, बहुत ज्यादा बैंक्स, आपको स्टॉक मार्केट्स या उससे रिलेटेड एंटिटीज जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज या तो फिर फंड मैनेजर्स, फिनटेक फर्म्स, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जो क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स। भाई साहब यहां बैठा हूं कैनेडा में, किसी बंदे को पैसे भेजने हैं कनाडा में, मेरा एक दोस्त रहता है, उसने मेरे को बोला ओए दिवाली आ रही है मैं तेरे को पैसे भेजूंगा। मैंने कहा ला भेज दे, मैं कहा ला भेज दे। अब वो भेजेगा तो वहां से तो यूएस डॉलर भेज रहा है, पेपैल को यूज करते हैं वो लोग, पर मेरे को तो इंडियन रुपीज मिलेंगे। कह रहे ये फ्लो ऑफ कैपिटल कैसे चलेगा? सर फेमा से चलता है, पढ़ाया नहीं है, स्टेट यून रहना, यहीं पढ़ाऊंगा फेमा भी। कह रहा अच्छा ऐसा क्या? यस अब आईएफएससी इतना जरूरी क्यों है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जिसकी आप हमारे से बात कर रहे हो, क्रॉस बॉर्डर डील कर रहा है, समझ में आ रहा है। और हमारे को सर आपने एक और चीज अगर पढ़ी हो, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा एडीआर जीडीआर, अमेरिकन डिपो, जैसे वो देखा ना यार अभी क्या हुआ था, पीछे कोई केस आया था, वो सीमा हैदर करके कोई लड़की थी जो पाकिस्तान से बच्चों को छोड़ के प्यार के लिए इंडिया आ गई है। हाँ और अगर आपने कोई पंजाबी मूवी देखी है तो उसमें लड़के ऐसे ही हैं, लड़के ऐसे ही हैं, यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लड़की के लिए कनाडा चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। कह रहे सर ऐसा ही एग्जाम्पल है, यहां से कोई इंडियन कंपनी ने कहा कि अब पैसा रेज करना है, इंडिया के बाहर चले गए पैसा रेज कर, एडीआर जीडीआर। कह रहे सर अब आपको रेजिंग ऑफ फंड्स करना है, चाहे आपको बाहर जाकर डिबेंचर इशू करना है, इक्विटी इशू करनी है, म्यूचुअल फंड्स इशू करने हैं, कह रहे पेंशन फंड्स हैं, एसेट मैनेजमेंट है, कह रहे सर या फिर कोई कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस हैं। कह रहे सर आईएफएससी सीधा सीधा बड़े बड़े बैंक्स, ये सारी चीजें बीच में आती हैं, रिस्क मैनेजमेंट तक की बात होती है। रिस्क मैनेजमेंट की बात कैसे होती है? आज एक डॉलर का क्या रेट है? मैं कहता हूं 85 रुपीज। आज आपने डील कर ली, ठीक है, आपने डील करी, सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, दे विल पे यू $200,000। सर 2 लाख हुआ है तो वहां पे 100,000 कुछ ऐसा बोलते हैं, वहां पे लाख वाला सिस्टम नहीं है, वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स के हिसाब से। अब मैं कह रहा हूं आपको आज के हिसाब से, आपने कहा यार 85 रुपीज का ठीक है अमाउंट ठीक ठाक बन रहा है, पर अगर मैं कहता हूं कि ये पैसा अगर नीचे गिर गया, अगर डॉलर की वैल्यू नीचे आ जाती है और $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज रह जाता है, तो सर आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, मेरा भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। कह रहे सर बीइंग एन एंटिटी आपको तो जिस चीज के 85 रुपीज मिलने थे पहले, आज आपको जिस चीज के पहले 17 लाख रुपए मिल रहे थे, आज आपको 10 लाख मिलेंगे। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 रुपए से क्या ही होता है, तो मेरे लोग, मेरे दोस्त, करोड़ों डॉलर की अगर ट्रांजेक्शन है तो बहुत फर्क पड़ेगा, और दिन में न जाने कितने करोड़ों की कितनी ट्रांजेक्शन है, आप आज डॉलर एडवांस में खरीद के रख सकते हो। ऐसा भी होता है क्या सर? ये सारे काम आईएफएससी वाले करते हैं। आप जिस भी कंपनी में जाओगे वहां फाइनेंस वाले पहले रेट लग के लिख के रखेंगे, अच्छा ये डॉलर का ये रेट है, येन का ये रेट है, ये सारी डिटेल सामने बोर्ड पे लिख के रखेंगे। आज ऐसा करने की जरूरत है। अगली बात पे आता हूं,
अब आईएफएससी की अगर मैं बात करूं, इतना जरूरी क्यों है सर जीने के लिए? आईएफएससी इतना जरूरी कैसे हो गया है? मैं कहा देखो, क्योंकि पहली बात तो उसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करा है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करा है, और अल्टीमेटली इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, उसमें बड़ी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है, और साथ ही साथ एक्सेलरेटिंग द सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्रीज। क्या सर वेली बातें हैं, पर इतनी बात को समझ लेना कि आईएफएससी की अगर हम बात करें, इट इज मोर ऑफ अ स्पेशल इंटरनेशनल स्पेशल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसा क्या? जी हाँ, ये किसने कहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है फेमा ने, फेमा एक्ट 1999 था, वैसे तो इसने 2002 लिख दिया। यार अब हम इस सिनेरियो के अंदर आईएफएससी को सारे नॉन रेजिडेंट बेनिफिट्स देते हैं, कह रहा ऐसा क्या? मैं कह रहा इंटरनेशनल है ना सर, अब अगर कोई फॉरेनर आपके यहाँ घूमने आता है वो नॉन रेजिडेंट है, जैसे उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ भी हम उसे बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कह रहा यस। कह रहा अब अकॉर्डिंगली आईएफएससी को कुछ और हमने बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वो क्या बेनिफिट्स हैं? कह रहा वो बेनिफिट सबसे पहला तो ये है, अगर वो घूम रहा है तो भाई उसको कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा क्या? यस। और अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आप कहीं बाहर घूमने गए, आपने कहा डॉलर बचा है जेब में रख लेता हूं, मेरे दोस्त $2,000 से ज्यादा जेब में नहीं रख सकते, ऐसा क्या सर? हाँ, फेमा के अगेंस्ट हो जाएगा। पर अगर यही बात अगर मैं आपको बताऊं कि आईएफएससी है, तो कह रहे सर कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अब आईएफएससी वालों को हमने टैक्सेशन बेनिफिट्स भी दिए। कह रहा अगर इनकम टैक्स की बात करूं, तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं ऑफ द कंपनी इन आईएफएससी, 1 अप्रैल 2020 से लेकर उसको ये बोला गया कि सर दैट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। ओ ऐसा क्या? यस। कह रहा अब बेनिफिट ऑफ यूनिट्स, मैं कह रहा हूं आपने यूनिट्स यानी कि आपने इन्वेस्ट करा है आईएफएससी के अंदर, ठीक है। कह रहा अब ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बॉन्ड हो सकते हैं, जीडीआर हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर बॉन्ड हो सकते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो सकते हैं, डेरिवेटिव में, म्यूचुअल फंड में, बिजनेस ट्रस्ट में, एआईएफ के अंदर, फॉरेन करेंसी में, किसी भी तरीके से पैसा लगा दिया हो सर आपने, किसी भी तरीके से सामने वाले के शेयर में पैसा लगा दिया हो, अब इसे ये बोला गया दैट विल बी टैक्स स्ट्रेट अवे इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। वरना आपने डीडीटी पढ़ा होगा, इनकम टैक्स भी है जिनकी दीवानी, नाम है उनका राम केसवानी। तो राम केसवानी सर ने बताया होगा कि मेरे दोस्त अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो वो टैक्स काट के देती है आपको। ऐसा क्या सर? ऐसा होता है। अगला फंडा, जीएसटी के अंदर क्या फायदा है सर? जीएसटी के अंदर कोई जीएसटी नहीं लगता, रिसीव्ड बाय अ यूनिट इन आईएफएससी, या तो फिर आपको कोई भी चीज आपने खरीदी है, कह रहे सर उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, पर ऐसा जरूर है जो सर्विसेज आप ले रहे हो उसके ऊपर डीटीए के हिसाब से पैसा लग जाए। अच्छा, कह रहे आईएफएससी एक्सचेंज के ऊपर आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है उसमें भी पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, आईएफएससी एक्सचेंजेस भी हैं? हाँ, कह रहे बहुत सारी चीजें हैं सर। कह रहे अब बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुको बेटा सर, मतलब अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है। अरे अभी तो कुछ बताया नहीं है। देखो, इनकम टैक्स में भी इन भाई साहब को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं आईएफएससी वालों को। कह रहे सबसे पहली बात तो सर, अगर इनकम टैक्स में आ गए तो बेनिफिट्स फॉर यूनिट्स, इन आईएफएससी अगर आपके पास यूनिट्स हैं आईएफएससी के अंदर, और इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है? कह रहे सर पहली बात तो ये बता देता हूं कि अगर आपने यूनिट है आपके पास आईएफएससी के अंदर, सो दैट इज स्ट्रेट अवे 100% टैक्स एग्जाम्पशन। ऐसा क्या? यस, फॉर 10 कंजेकेटिव ईयर्स। कह रहे 15 साल में कोई भी 10 कंजेकेटिव ईयर्स आप ले लो, मतलब कंप्लीट 15 साल में कोई भी लगातार 10 साल आप ले सकते हो। क्या दूसरी बात,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी टू सेलेक्ट, ऐसा क्या? जी हाँ, कह रहे सर अगर आपने मैट AMT पढ़ा होगा, राम केसवानी सर ने बताया होगा, बता देंगे आगे चल के, एट द रेट 9% ऑफ बुक प्रॉफिट, ऐसा क्या? यस, कह रहे सर अब जो भी बंदा आ रहा है उसको हमने क्या करा, एट द रेट ऑफ 9%, 115 JJB ऐसे करके कुछ पढ़ते होंगे इनकम टैक्स के अंदर। कह रहा अब दूसरी बात, दूसरी बात कह रहा अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इनकम, जो भी इंटरेस्ट इनकम, और दिस इज बीइंग पेड टू एनी ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स। कह रहा अब किसी भी बंदे ने मनी लेंड कर रखा है टू एनी IFSC, कह रहा सर स्ट्रेट अवे दिस इज नॉन टैक्सेबल, मतलब सर जो भी पैसा मिलेगा ना आपको ब्याज का, कह रहा टैक्स ही नहीं लगेगा, मौज है। कह रहा सर और साथ ही साथ कह रहा अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म रुपी डिनोमिनेटेड, US डॉलर्स वगैरह में नहीं, रुपी डिनोमिनेशंस के अंदर, सो दे विल बी टैक्सेबल, प्लस दे आर लिस्टेड ऑल्सो ऑन IFSC एक्सचेंज, देन दे आर टैक्स एट 4%, तो ये 4% पे स्ट्रेट अवे टैक्सेबल होता है। कह रहा ठीक है सर, कह रहा अच्छा दूसरी बात अगर हम लोग एक और फंडे के बात करें, कह रहा सर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑन IFSC स्टॉक एक्सचेंज, अगर वहां पे करते हैं तो कह रहा सर टू नॉन रेजिडेंट, मतलब आप बात समझ रहे हो, एक नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी मैंने आपको दी है, इंडिया के बाहर ओबामा ने शेयर बेचे, डोनाल्ड ट्रंप ने खरीद लिए, तो कह रहे सर मुझे क्या दिक्कत है, कह रहे नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। फंडा सिंपल है सर, कह रहा इसके साथ ही अब इस चीज को दोबारा पढ़ोगे तो और आसान लगेगा कि अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, सर आपने पैसा लगाया तो कह रहा डिविडेंड पर भी कोई टैक्स नहीं है, जो आपकी इनकम के हिसाब से जो टैक्स बनता है सर आप उसमें भर लेना। दूसरी बात IFSC एक्सचेंज पे की हुई हर एक ट्रांजेक्शन पर, इवन मेरे बैंक में जो SMS के चार्जेस हैं उस पर तक GST लगा होता है, कह रहा यहां नहीं लगने दूंगा सर। कह रहा उसके बाद अगले फंडे को और समझो, कुछ और टैक्सेस ड्यूटीज आती हैं, जैसे स्टेट सब्सिडीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, PF कंट्रीब्यूशन, ये जो फायदे आपको बिजनेस के अंदर डिडक्शंस मिलती हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपको नहीं देना होगा सर, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं देना होगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी, और साथ ही साथ फॉलोइंग टैक्सेस एट निल रेट्स, मतलब सर ये सारे टैक्सेस भी नहीं लगेंगे ना। कह रहा VIP आदमी है क्या सर ये? मैंने कहा VIP से भी ज्यादा बड़ा बंदा है यार ये, इस टाइम पे हमारे को बाहर से कोई पैसा लाकर अगर दे रहा है तो वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके देता है। कह रहा सर जैसे आपने देखा होगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स तो मैंने वहां भी लिखवा दिया ऊपर, ट्रांजेक्शन टैक्स STT। दूसरा कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कह रहा सर CTT, कह रहा उसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये भी नहीं लगता, ये भी मैंने आपको बताया DDT, कंपनी नहीं काटेगी, शेयर होल्डर के हाथ में जाएगा भाई, तू अपने इनकम टैक्स हिसाब के देख ले, तेरे को ओल्ड में लगवाना है न्यू में लगवाना। कह रहा सर LTCG भी नहीं लगता है, STCG भी नहीं लगता है, कह रहा कुछ भी नहीं लगेगा, मैंने कहा कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगने वाला, सब माफ है, कह रहा ओ ये सब टैक्सेस नहीं लगेंगे। कह रहा IFSC की तो सर हमारे को भी जरूरत है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा ये IFSC है कहाँ? मैंने कहा एक गुजरात में सेटअप हुई है, पता है आपको गिफ्ट IFSC, गिफ्ट ये क्या होता है गिफ्ट? अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है गिफ्ट, अभी आगे चल के बताऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी जरूरी है, रिवीजन है तो क्या हो गया, थोड़ा स्लो चल रहे हैं पर कर लेंगे कब। कह रहा ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं सर आपको, मैंने कहा मतलब
यार देखो, पहली बात तो सबसे बड़ी चलने वाली इकोनॉमी के अंदर जो मैटर है, या मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा फंडामेंटल फैक्टर है, वो यही है। कह रहा अब आपको क्या करना होता है, भारत के पास बहुत सारे ओवरसीज फाइनेंशियल सेंटर्स पे हमारे को भरोसा करना पड़ता है कि यार अगर आपको, मैं कहता हूँ कुछ इम्पोर्ट करना है, और हम तो हैं ही इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। मोदी साहब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्यों लेकर आए, इसीलिए तो लेकर आए ताकि हम लोग इम्पोर्ट ना करें। हम भाई इतना इम्पोर्ट करते हैं, इतना इम्पोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ ही चाइना, मेड इन चाइना चल रहा है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर ये भी बताऊंगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ECIL में या EBCL, EBCL में तो नहीं था, ECIL में जब भी आप IPR पढ़ोगे तब, वो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना क्यों है, क्योंकि अपने पास चीजें नहीं है, हमारे को सब कुछ ही बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। कह रहा सर ये तो दिक्कत की बात हो गई। कह रहा यस, अब हमें क्या करना होता, अगर US से मंगवाओगे तो US को US डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, अपने पास तो जुगाड़ है ही नहीं, तो हमें ओवरसीज फाइनेंशियल सेंटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हेविली रिलाई करना होता, बहुत भरोसा करना होता था कि ये पैसा देगा तब मैं US को दूंगा, तब मैं चाइना को दूंगा, सारा पैसा तो वही खींच जाता था मेरे से। कह रहा अच्छा ऐसा क्या, यस, और इससे हम परचेज करते थे, परचेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसा क्या, कह रहा अब ऐसे ही इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने कहा यार देखो अब ये हम इंपोर्ट ओरिएंटेशन से हटके हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे और एक्सपोर्टर बन जाएंगे इन फाइनेंशियल सर्विसेज के। जो चीजें आज से पहले इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम खुद अपने सेंटर खोलेंगे और लोगों को बोलेंगे तुम्हारे को फॉरेक्स चाहिए हमारे से लो। ऐसा क्या सर, यस, इसीलिए हमने कहा कि ऑन शोरिंग कर देंगे, ऑफ ऑफ शोरिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। सर ये भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, इस पे आता हूँ। यार अब दूसरी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, ये क्या है सर, देखो यार हमारे को पता है कि हम लोग $3 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, और बहुत ही जल्दी, बल्कि ये डेटा देखने को मिल रहा है कि हम वर्ल्ड में थर्ड सबसे बड़ी पावर बन जाएंगे 2030 तक। कहने का मतलब है कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे आसानी से, ठीक है, और 2050 तक हम वर्ल्ड में तीसरी सबसे नंबर की सबसे बड़ी पावर होंगे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खैर चीजें होंगी, बताऊंगा कि जब कोई भी वर्ल्ड में सेकंड या फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ये US और चाइना क्यों रहते हैं, ये और किसी को आगे क्यों नहीं आने दे रहा US वाला, है ना, और कोई जैसे ही आगे आने लगता है तो प्रॉब्लम कैसे हो जाती है। कह रहा बात को समझो, कह रहा अब IFSC के अंदर बहुत पोटेंशियल है सर, इट वर्क्स एज ग्रोथ कैटलिस्ट। ओ ऐसा क्या, ये कह रहा अब ऐसे ही जो भी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं IFSC के अंदर, सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर IFSC, इसके अंदर सब आता है, इट इंक्लूड्स द बैंकिंग, इट इंक्लूड्स एसेट मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स फर्दर इंक्लूड्स इंश्योरेंस, इट इंक्लूड्स फर्दर द कैपिटल मार्केट। यार ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हाँ, प्लस ग्लोबल कैपिटल इनफ्लोज। अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं ना कि हमारे यहाँ तेल कितने का आता है, उसी में चक्कर खा जाएंगे हम लोग, तेल जो गाड़ियों में डलता है, हाँ, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक 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 भाई, अगर इलेक्ट्रिक पे आ गए, अब ये क्या है सर, IFSC को जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं इंडिया में, यार सर ये वो सारी चीजें हैं, IFSC बेनिफिट्स फॉर इंडिया। अगर हमने IFSC को सेटअप करा तो बीइंग ए कंट्री, हमारे भारत देश में मित्रों क्या क्या फायदे होंगे, कह रहे सर सबसे पहली बात फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा सर, और हमारा ग्लोबल ग्लोबल इंफ्लुएंस बढ़ेगा, और जो छोटे छोटे एरियाज हैं है ना, उनकी भी चीजों को हम फाइनेंस कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खैर यहाँ पर जो बात होती है वो एयरक्राफ्ट, मतलब शिप एक्सचेंज एयरक्राफ्ट की होती है, बुलियन एक्सचेंज एयरक्राफ्ट की होती है, शिप लाइसेंसिंग की होती है, शिप लीजिंग की होती है, कह रहे सर ये चीजें अलग हैं। फिलहाल आप ऐसा समझो, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंसिंग इस तरीके से है कि अगर मैं आज जाता हूँ और ये चश्मा मैं कहता हूँ ₹2,000 का मैंने लिया, चलो ₹1,000 का लिया, बैंक कहता है इसे फाइनेंस कर दूंगा ₹1,000 का,
हैरानी की बात एक दिन ये थी कि मैंने एक दिन टी शर्ट देखी, वो कहता है नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन गेट इट फाइनेंस एट 63 रुपीज पर मंथ। मैंने कहा मैं टी शर्ट भी किराए पे, वो मतलब ईएमआई पे लूंगा यार। कह रहा ले लो सर, क्या दिक्कत है, मिल तो रही है, नो कॉस्ट ईएमआई पे टी शर्ट दे रहा, बताओ 60 रुपये महीना, कह रहा 2 साल तक देते रहना पैसे। क्या बंदा है तो क्या यार, कह रहा और साथ ही साथ हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी बेटर हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपके यहाँ कोई भी चीज आती है तो लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा, जैसे आपके लिए आईएफएससी नया है तो सर कंपनसेटरी लगता है इसमें, कंपनसेटरी हर जगह लगता है, जैसे जिंदगी जीने के लिए सांसें जरूरी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनसेटरी जरूरी है भाई। कह रहा दूसरी बात, और साथ ही साथ हम अपने रुपए को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन कर पाएंगे। कह रहे सर हर एक चीज की अगर मैं बात करूं तो हम यूएस डॉलर्स की बात करते हैं, हम यूरो की बात करते हैं, हम लोग ठीक है इन सब चीजों के अंदर डील हो रही है। कह रहा हम लोग इसमें क्यों नहीं बात कर रहे यार, हमारा रुपया इंटरनेशनल क्यों नहीं है। कह रहा आईएफएससी लेकर जाएगा। कह रहा और साथ ही साथ गेटवे फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कैपिटल फ्लोज, इनका काम भी आईएफएससी ही हमारे को करके देगा। कह रहा ओ ये सारी चीजें कर देगा ये, यस। अगर आपको कोई बंदा फॉरेक्स जुगाड़ करके दे सकता है तो कह रहा सर वो कुछ भी कर सकता है। अब ये था गिफ्ट। कह रहा अब इन्होंने क्या किया, आईएफएससी आया टॉप अमंग टॉप 15, अमंग टॉप 15 सेंटर्स ग्लोबली। ओ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स लंदन की एक रिपोर्ट आई मार्च 2022 में, जिन्होंने ये बोला कि सर जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है अगले 2-3 सालों के अंदर तूफान खड़ा कर देंगे, फर्स्ट कमर्शियल बिल्डिंग गिफ्ट सिटी। यहाँ पर हमने सर ये गिफ्ट सिटी कहाँ है, अरे गुजरात में सबसे पहला आईएफएससी, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई ने रेगुलेशंस बनाए, आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट पास करा गया और उसके बाद उसको पावर दी गई 1 अक्टूबर 2020 से। बेटा ध्यान रखना डेट को, 1 अक्टूबर 2020 से ये प्ले में आ गया। आज के टाइम पे 20 से ज्यादा रेगुलेशंस, 20 से ज्यादा सर्विसेज, ठीक है, और इन सब आई मीन 20 से ज्यादा रेगुलेटर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा तो सर आईएफएससी का बेनिफिट तो हमें पता लग गया, गिफ्ट आईएफएससी ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये भी पता चल गया, कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज में आता है, ये बैंक में आता है, कैपिटल मार्केट में आता है, एसेट मैनेजमेंट में आता है, इंश्योरेंस में आता है, इमर्जिंग एक्टिविटीज और कुछ और फाइनेंशियल कंसेंट आई मीन इंस्टीट्यूशंस में भी आता है। ये सारे के सारे काम पैसे से रिलेटेड जितने काम होंगे भाई कह रहा मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कह रहा ये बैंक का काम भी कर देगा, कैपिटल मार्केट का काम भी कर देगा, डिपॉजिटरी का काम भी कर देगा, ब्रोकर डीलर का भी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का भी, स्टॉक एक्सचेंज का भी कर देगा। मैंने कहा सारी एक्टिविटीज के अंदर भाई ने जहां भी फॉरेन एक्सचेंज का मैटर आएगा इसको बुला लेंगे भाई, पैसा जुगाड़ कर दे। बैंक कितना जरूरी है हमारे लिए, आपको पैसे चाहिए आप एटीएम जाकर पैसे निकाल लेते हो, पैसे का जुगाड़ हो जाता है ना, आप बटन क्लिक करो आपको लोन मिल जाएगा, अभी पॉलिसी बाजार पे जाके बैंक आपको कोई ना कोई लोन देने के लिए तैयार खड़ा है। कह रहा ऐसे ही ठीक इसी तरीके से ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज पर यही डील करता है। ओ कह रहा अब ऐसे ही बात को समझो, कह रहा सर आईएफएससी के अंदर ना जर्नी है बड़ी शानदार, कह रहा अभी तक कुछ याद करने वाला है सर। मैं कह याद करने वाला अभी तक टैक्स एग्जाम्पशंस है, टैक्स एग्जाम्पशंस जरूरी हैं, ध्यान में रखना इस चीज। यार एक्ट ने ये बोला कि अगर आईएफएससी के पास 4 डोमेस्टिक रेगुलेटर हैं जो इसको पकड़ के रखेंगे, देखेंगे क्या क्या काम ये कर रहा है। यार पहला डोमेस्टिक रेगुलेटर जो इसके पास आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबके लिए है। कह रहा दूसरा सेबी, ये भी आपने पढ़ा है। कह रहा तीसरा अगर मैं बात करूं सर आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का काम भी ये करता है, आरबीआई इसलिए क्योंकि बैंक का काम करता है, सेबी इसलिए क्योंकि कैपिटल मार्केट का काम करता है, और फिर आता है हमारे पास पीएफआरडीए। पीएफआरडीए मतलब, और लिखो पेपर में शॉर्ट फॉर्म और लिखो, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यार ये सारी चीजें मिलाकर 15 एक्ट ऐसे हैं सर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर आईएफएससी जिसके साथ काम करता है। इन 15 के 15 के एक्ट का ध्यान रखने के लिए हमने ये चीजें बनाई हैं। कह रहा ओके अगले फंडे पे आ जाओ सर, आईएफएससी है क्या, मैंने कहा यूनिक अथॉरिटी। कह रहा सर देखो जितने भी आईएफएससीज इंडिया में हैं वो सबको रेगुलेट करने के लिए आईएफएससी है। जैसे कॉम्पिटिशन के लिए क्या है सर, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बैंक्स के लिए क्या है, आरबीआई है सर।
आरबीआई कहता है सतर्क रहें, है ना। ऐसे ही कंपनी के लिए क्या है सर, बहुत कुछ है। आरओसी है, आरडी है, एनसीएलटी है, एसएफआईओ है, शाबाश। ऐसे ही सर अगर आईएफएससी की बात करता हूं तो इसके लिए जो अथॉरिटी है दैट इज आईएफएससीए, ठीक है, ये अथॉरिटी है, इसको डेवलप किया गया और जितनी भी चीजें आईएफएससी की हैं वो इसके अंडर होती हैं। कह रहा सर अब कुछ बातों का और ध्यान रखेंगे। मैं कहा हाँ जी, कह रहा अब ये है क्या, मैंने कहा यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटर है भाई, इसका अपना अलग एक्ट है आईएफएससीए एक्ट। अब ध्यान रखना आई एम टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी, मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं आईएफएससी की बात नहीं कर रहा। आपको चलाने के लिए एक अथॉरिटी होती है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैफिक का ध्यान रखती है। ऐसे ही आईएफएससी को रेगुलेट करने के लिए हमने आईएफएससीए बनाया, जिसका ये एक्ट बनाया और नोटिफाई कर। अब इंडिया में कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, कितनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट होंगे, ये सारी बातों को डेवलप करना और रेगुलेट करना आईएफएससीए का काम है, जैसे कि सेबी करता है। आप कब क्या करते हो क्या नहीं करते आपकी मम्मी ध्यान रखती है, आप अभी पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मम्मी आगे देख लेती है, कौन पढ़ रहा है, बंद कर। डेवलप रेगुलेट, खाना खाएगा, बड़ी देर होगी कुछ खाया नहीं, चाय पिएगा बेटा, बेटा कुछ बना दूं, है ना। तुम पढ़ रहे हो तो देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो कितनी इज्जत है तुम्हारी, नहीं पढ़ रहे कोई पूछने है निकम्मा, चल यहां से, यहां से। अगली बात कह रहा है आईएफएससीए की अगर मैं बात करूं, हैज बीन वेस्टेड विद फोर सेक्टोरल रेगुलेटर्स, जो मैंने आपको रेगुलेटर्स के नाम भी बताया, पीईआरडी नहीं पीएफआरडीए। चलो अगली बात पे आता हूं सर, अब ये है लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि सर देखो आपने एक्ट बना दिया आईएफएससीए एक्ट, मैंने कहा जिसके अंडर बहुत सारी पावर्स आपने आईएफएससीए को दे दी, मैंने कहा हाँ। कह रहे सर अब एक और चीज, कह रहा इसके साथ ही साथ रेगुलेशंस प्रोडक्ट सर्विसेज ये भी नोटिफाई कर दिए गए, ये सारे का सारा फ्रेमवर्क है, जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आती। कह रहे आईएफएससी के अंदर सर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी करते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात भी करते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात समझते हो, कुछ कंपनीज ऐसी निकली भारत देश में जहां से पैसा कमाकर, मित्रों हमारा है दुश्मन देश का सप्लाई किया जा रहा है जो कि आतंकवाद फैला रहा है, हमारे यहां से ही पैसे कमाकर तुम लोग आतंकवादियों को दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को। कह रहे सर और केवाईसी गाइडलाइंस ये सब भी आईएफएससी ने निकाल दी, कह रहा भाई ये भी होगा। और साथ ही साथ किस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को रेगुलेट किया जाएगा ये भी आईएफएससी ने बताया। अभी फिलहाल सर दोबारा आगे चलता हूं क्योंकि चीजें रिपीट हो रही हैं। अब ये वो फंडा निकल कर आता है कि कौन कौन सी ऐसी मेजर रेगुलेशंस हैं जो आज तक आईएफएससीए ने रेगुलेट करी हैं। सर अभी तक जरूरी क्या चल रहा है, अभी तक जीने के लिए जरूरी है मेरे दोस्त कि आपको आईएफएससीए के ऊपर एक शॉर्ट नोट आना चाहिए और टैक्सेशन बेनिफिट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कह रहा बैंकिंग रेगुलेशन, इसको लेकर आईएफएससीए ने बताया, फाइनेंस कंपनी को लेकर बताया, इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर बताया, इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी को लेकर, और इंश्योरेंस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, क्योंकि बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, म्यूचुअल फंड हो, पेंशन फंड हो, कह रहे सर कहीं भी पैसा लगा रहे हो सब आ किसके अंडर रहे हैं, आईएफएससीए के अंडर। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी हो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हो, कह रहे सर इशू ऑफ एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो, कह रहा है या तो फिर कोई फंड मैनेजमेंट की बात हो, या तो आपने कोई ब्रांच कैंपसेस और ऑफशोर एजुकेशन सेंटर डालना है। ऑफशोर एजुकेशन सेंटर इंडिया के बाहर, हाँ। आपको पता है आपके अगर बच्चा कोई सीएस कर रहा है, सीए कर रहा है, सीएमए कर रहा है, तो ऐसे भी है भाई जो बच्चे दुबई में बैठ के पेपर दे रहे हैं। सर दुबई में जो पेपर हम दे रहे हैं वो दुबई से भी हो रहा है, हाँ। नॉन रेजिडेंट्स भी अपने यहाँ से अप्लाई कर सकते। यार आगे चलते हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर रेगुलेशंस और बिलियन एक्सचेंज रेगुलेशंस, ये वो सारी रेगुलेशंस हैं जो अभी आईएफएससीए ने बनाई और जिनके अंदर वो काम भी करता है। मैंने कहा ठीक है, यार अब आईएफएससीए करेगा क्या, मैंने कहा बहुत कुछ करता है भाई, ये पूरा चैप्टर घूम के आईएफएससीए पे ही आ रहा है बार बार। देखो पंडे को ना थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे सर अथॉरिटी के पास हमने पावर तो दे दी कि भाई जितने भी तुम्हारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट आए, जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज आए, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए,
एक पर्टिकुलर आईएफएससी के अंदर सबको कौन मैनेज करेगा, इसका उसका सबका बदला लेगा फैजल, कह रहा है ऐसे ही इसका उसका सबका ध्यान रखेगा कौन, आईएफएससी ये, ठीक है। अब इसको आगे और एक्सप्लेन किया जा सकता है जैसे आपको ठीक लगे, आप लिख सकते हो कि अथॉरिटी को हमने पावर दी, जैसे देखो अब लिखने का तरीका क्या है, बताने का तरीका क्या है, अथॉरिटी हैज बीन एम्पावर्ड अंडर द आईएफएससीए एक्ट 2019 टू डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड द इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट, द अथॉरिटी कैन टेक ऑल द रिलेवेंट डिसीजंस लाइक ऑथोराइजिंग रजिस्ट्रेशन असिस्टिंग द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स दे एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ आर नेशन, ऐसा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। जहां भी हेडिंग दिखे वो हेडिंग बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंदर का मटेरियल आपकी लैंग्वेज में हो सकता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा। कह रहा अब अगली बात पे आता हूं, कह रहा सर अगले फंडे को समझो, अगले फंडे के अंदर यहां पर क्या हो रहा है कि अथॉरिटी के पास पावर है टू रेगुलेट दोस फाइनेंशियल प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कह रहा पहले में क्या करा, मैंने कहा पहले में हमने बात करी डेवलप करने की, दूसरे में कह रहा हूं कि भाई खाना भी अपन बनाएंगे और रेगुलेट भी हम करेंगे, जैसे घर में राजमा चावल बनते हैं तो सबको थोड़े थोड़े मिलते हैं, है ना, घिया बनाओ तो इतना बनता है चार चार कुकर भर के पूरी कॉलोनी खा के चली जाए। कह रहा हाँ टू डेवलप एंड टू रेगुलेट दोनों पावर इसको दे दी। कह रहा कि कौन से, अच्छा एक चीज और, इससे पहले कि हमारे पास आईएफएससी के अंदर आईएफएससी एक्ट आया तो हमारे पास कौन कौन था, मैंने कहा हमारे रेगुलेटर्स ही संभाला करते थे, यानी कि ये जो चार रेगुलेटरी बॉडीज आपको बताई ना यही लोग संभालते थे सर, मतलब सर ये चार लोगों का काम मिलकर अब एक इंसान करेगा। जी हाँ मित्रों, ये जितने फाइनेंशियल रेगुलेटर है आईएफएससी ये कहता है तुम सब साइड पे उठो, तेरा भाई है ना, तेरा भाई सब देख लेगा, इसका उसका सबका बदला लेगा तुम्हारा फैजल। मैंने कहा ओके, कह रहा अब ऐसे ही अगर कभी भी कोई भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है, या किसी को डिलीट करना है, पिताजी की पतलून दो बिलान छोटी कर दो, दो बिलान बड़ी कर दो, कह रहा फाइनेंशियल सर्विसेज को इंस्टीट्यूशंस को ऐड करना है तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, फैजल, फैजल नहीं यानी कि आईएफएससी। कह रहा ठीक है, कह रहा सर अच्छा ये स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया है कि आईएफएससी है क्या जो सरकार को सजेस्ट करेगा, सरकार के लिए स्ट्रेट अवे एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंटेशन बॉडी है ना। चल अगली बात पे आते हैं, कह रहे अगले फंडे पे आते हैं, अगले फंडे के अंदर बात अगर देखें तो कह रहा सर रेगुलेटर एंड रिस्पेक्टिव बॉडीज, अब अगर हम लोग बात करते हैं आरबीआई की तो आरबीआई को ये सारे एक्ट्स का ध्यान रखना होगा, ये सारे एक्ट का ध्यान रखना होगा, ये सारे एक्ट में जो जो हो रहा है सबका जिम्मेदार आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है सावधान रहे सतर्क रहे सर, वो तो क्राइम पेट्रोल वाला कहता है, अच्छा क्राइम पेट्रोल वाला कहता है क्या, आरबीआई तो ये कहता है कि अपना पिन कोड किसी के साथ शेयर ना करें, ये सारे एक्ट का ध्यान आरबीआई रखता है। और अगर मैं सेबी की बात करता हूं तो सेबी इन सारे एक्ट्स का ध्यान रखेगा, ऐसे ही इंश्योरेंस IRDAI की बात करूं तो ये सारे एक्ट्स का वो ध्यान रखेगा, कह रहे सर। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कभी पेंशन फंड की तो यहाँ पर तो एक ही एक्ट आता है, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, कह रहे सर ये चीजें आती है। अब अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बन रहा है दैट इज कि सर ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट से आपका क्या लेना देना है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर सिक्योरिटीज नाम की डेफिनेशन आती है, सिक्योरिटीज हाँ, इंश्योरेंस जितने होते हैं सारे यहां पर आते हैं, डिपॉजिट जितने हैं सारे यहां पर आते हैं, कह रहा सर क्रेडिट अरेंजमेंट जितना है, अब क्रेडिट अरेंजमेंट समझते हो सर, उधार का पैसा, हाँ उधार का पैसा बहुत तरीके से आता है, एलसी आती है, पीसीएफसी आते हैं, वो जब एक्सचेंज बॉर्डर की हम लोग बात करते हैं, आपने लोन ले लिया सर, आपने बिजनेस करना था, आपकी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फाइनेंस करने के लिए आपने लोन ले लिया, आपने कहा मुझे ये बिल्डिंग बनानी है, बैंक को बोला इस बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दे दे, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए लोन ले लिया, किसी एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए लोन ले लिया, है ना, कह रहा हर तरीके की फाइनेंसिंग हर तरीके का क्रेडिट अरेंजमेंट यहीं पर आएगा। कह रहा अब एक और चीज, कह रहा सर फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने यहां पर इंडिया इधर से इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन करेंसी यानी कि INR लिखते हैं हम लोग, INR से USD US डॉलर्स, कह रहा इंडियन करेंसी और INR, इसके अंदर का जो फंडा रहता है ना सर,
इसके अंदर का जो फंडा रहता है, ये वाले ट्रेड्स भी यहीं से सेटल होंगे। क्यों? क्योंकि सर फॉरेक्स इन्वॉल्व है ना। मैंने कहा अच्छा, कह रहा और पर वैसे नहीं, अदर देन दोज टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर देन टू बी सेटल्ड इमीडिएटली। कह रहा ओ ऐसा क्या? यस सर। अच्छा अब इसके साथ साथ जैसे यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम नोटिफाई करेंगे, और कह रहे तो नए वाले नोटिफाई कर दिए हैं इसने। मैं कहा मतलब? कह रहा सर देखो, एयरक्राफ्ट लीज का नाम सुना है आपने? कह रहा अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं, बाइंग स्पॉटिंग पे कहाँ पे आ गया यार तू? फाइनेंशियल सर्विसेज पे कहाँ से आ गया? अभी जो नए वाले नोटिफाई हुए हैं वो तो पढ़ ले बेटा। सर नए वाले नोटिफाई हो गए हैं मतलब, देखो मैं आपको अभी अभी बताता हूँ, जो हमारे न्यूली नोटिफाइड है यानी कि न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इसमें फिर से पांच चीजें आती हैं। पहला आता है एयरक्राफ्ट लीज, उसके बाद आएगा बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा सर इसके बाद हमारे पास आता है बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट सुना है कहीं? नवनी मैम के साथ सुना होगा। कहाँ सुना होगा? बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। वहां पर आप पैसे जमा कर देते हो सर, आपको डिपॉजिटरी रिसीट मिल जाती है, शेयर तो बाद में मिलेगा। ऐसा क्या? यस कह रहा सर। उसके बाद आती है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीज। कह रहा ऑपरेटिंग लीज से क्या मतलब है? कह रहा जहां पर स्ट्रेट अवे हम लोग बात करते हैं जैसे शिप लीज की, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं टाइटैनिक जैसे, ये क्या 5-10 साल थोड़ी चलते हैं यार, बहुत पुराने चलते हैं, है ना? तो कह रहा सर अगली बात पे आते हैं। अगला फंड आता है आपका शिप लीज, जिस जो कि ऑपरेटिंग लीज के अंदर ही आता है। वैसे शिप लीज, ऑपरेटिंग लीज, जिसके अंदर आप कह सकते हो हाइब्रिड वर्जन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग। कह रहा ऐसा क्या? यस, जिसके अंदर हम लोग शिप और ओशियन वेसल्स की बात करते हैं। देखिए कभी बड़े बड़े जहाज देखे हैं? नहीं देखे सर, कोई बात नहीं, नहीं देखे तो यहां पर वो सारी चीजें आती। आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो वो भी दिखाऊंगा। कह रहा सर अच्छा, अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? मैंने कहा ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो आपने यहां पर देखा मेरे साथ, चाहे नया है चाहे पुराना है सर, इसको खरीदना बेचना, ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, मौका आने पे पैसा वापस कर देना, या तो फिर आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा बेचा नहीं, आप क्या करते हो उसको सेफ गार्ड करते हो। भाई आप बहुत बड़ा जहाज है एक आपके पास, ये क्या है? ये जहाज है सर, इसका नाम है टाइटैनिक। ये तो डूब गया था, कोई बात नहीं मैं ले आया वापस। ये ना अब टाइटैनिक का जो जहाज है, इसकी आप सर खरीदते बेचते नहीं हो, नहीं आप ना ट्रेडिंग करते हो, आप सिर्फ सेफ गार्ड करते हो और एडमिनिस्टर करते हो। ये किसी और का है, किसी और का है ये पर्टिकुलर जहाज, और आप क्या कर रहे हो? आप बस इसका ध्यान रखते हो। अब एक चीज बताऊं, ये है ब्रावो नोट्स। ब्रावो नोट्स, हाँ इसे कहते हैं ब्रावो नोट्स। अगर आपने ये हिंदी वाली लिखी हुई लाइन कभी भी देख ली ना, कह रहा सर मास्टर स्ट्रोक है ये। कह रहा और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो करते हो, इंश्योरेंस क्या है? एक सर्विस ही तो है भाई, तुमने कल को टक्कर मार दी तो मैं देख लूंगा। कह रहा ऐसा क्या? जी हाँ। कह रहा सर इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, जैसे कि हम लोग मैनेज करते हैं जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या कर रहे हो? आप उन चीजों को मैनेज करने की बात कर रहे हो। ओ ऐसा क्या? यस, जो भी आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड कोई भी राइट, कोई भी राइट, जैसे कि आपने खरीदा बेचा, आप ट्रेडिंग करते हो, उसके केयर टेकर हो, उसको सुपरवाइज करते हो, किसी भी तरीके का कोई भी राइट है, कह रहा सर यहीं पर आता है। कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर आप स्टैब्लिश कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम को चलाने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर अब क्या है सर, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अब इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत सारे तरीके की चीजें आती है ना। मैंने कहा तो कह रहा इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आप रिकॉर्ड्स बनाते हो कि कौन से इंसान के पास है, कब उसने खरीदा। जैसे स्कूल में अटेंडेंस लगती थी, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड होता था, किसकी फीस आ गई, किसकी फीस नहीं आई, कैसे, ऐसे सारी बातें यहाँ। कह रहा जो भी आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसके अंदर अंडरराइटिंग करना, अंडरराइटिंग ये ऐसा पब्लिक इशू लेकर आ गए अगर बहुत बड़ा, तो आप क्या करेंगे सर? अगर पब्लिक इशू लेकर आ गए हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर
अगर पब्लिक इशू लेकर आए हो तो फंडा एक और बड़ा सिंपल सा है। कह रहा वो क्या है, अगर मैं कहता हूं मेरे दोस्त कि आप पब्लिक इशू लेकर आए हो तो मैडम ने फिर से बताया होगा बेटा 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। गब्बर सर ने भी बताया होगा कि अगर 90% नहीं आया तो। कह रहा सर ऐसे ही अगर आपने कभी भी इशू लेकर आए फाइनेंशियल प्रोडक्ट का तो उसमें अंडरराइटिंग करते हो आप, तो फिर से वो क्या है, दे आर फाइनेंशियल सर्विसेज। कह रहा और बहुत सारी हैं, इतनी 9-10 याद रख लेना काफी है। ठीक है 9-10 याद रख लेना काफी है। अब इसके साथ ही काफी है सर, चाय है का, चाय ले लो कॉफी ले लो तुम्हारी मर्जी। बस मैंने बता दिया कि वैसे तो मेरे पास भाई 14 पॉइंट्स हैं पर मैं नहीं चाहूंगा कि सारे बच्चे इतनी सारी चीजों को ध्यान रखें। 10 पॉइंट्स जो आपको ठीक लगे याद कर लो और बाकी के सिर्फ आपको पता होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अब इसके अलावा कुछ और नई फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ गई हैं जैसे ग्लोबल इन हाउस सेंटर। सर अब ये ग्लोबल इन हाउस सेंटर क्या है, फिर से ऐसा एक सर्विस प्रोवाइडर, इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस। ये क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस जो कि प्रोवाइड की जाती है रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। एंड सर्विसेस, ओ बहुत बढ़िया। कह रहा आप सरकार ने क्या करा, सरकार के पास था IFSC आया, उसने बोला कि यार एक काम करना पड़ेगा आपको। कह रहा क्या, सरकार के पास ये रिकमेंडेशन आई, सरकार को हमने ये रिकमेंड करा कि आपको गेजेटेड नोटिफिकेशन निकालो और एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कह रहा फाइनेंशियल मैं तो बैठा हूं, इसका उसका सबका बदला लेगा फैजल। कह रहा पर इसको अगर हम लोग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है हमारे को तो उसके लिए आप स्ट्रेट अवे ग्लोबल इन हाउस सेंटर बना दो। कह रहा ऐसा क्या, ये और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नोटिफाई करा ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स रेगुलेशंस, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स रेगुलेशंस 2020 और GIHC बना दिया। ये सर्विसेज के लिए था बिल्कुल। कह रहा अब ऐसे ही जो भी बुलियन है, बुलियन आप समझते होंगे, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स और अंडरलाइन जो भी आपकी फंडे बनते हैं उसके साथ ही साथ बुलियन फाइनेंसिंग हो, बुलियन बेस्ड लोन्स हो, बुलियन लोन्स हो अगेंस्ट कोलेटरल, कोलेटरल मतलब बदले में सिक्योरिटी दी है, बुलियन वॉल्टिंग हो गया, क्लियरिंग हो गया। कह रहा सर और साथ ही साथ जो भी सेटलमेंट सर्विसेज इनसे रिलेटेड आती हैं, सेटलमेंट सर्विसेज जैसे कि आपने कहीं पर लोन लिया, आपने चीज दी, आपने क्या करा, अल्टीमेटली दो तरीके होते हैं आपके पास हमेशा। पहला तरीका ये होता है कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, आपने एसेट दिया और बदले में लोन ले लिया। दूसरे में ये होता है आपने लोन वापस करके अब बदले में एसेट वापस ले लिया। कह रहे सर किसी भी तरीके से सेटलमेंट होती है ना, स्टॉक एक्सचेंज पे भी होती है। कह रहे वैसे ही प्लस बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स भी इसी में आती हैं। कह रहा और अगर कोई कोर्सेज आ गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, फिनटेक पे, साइंस पे, टेक पे, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जो कौन करवा रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज करा रही हैं। आज के टाइम पे देखते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ACCA, सीमा, CPA, ऐसे बहुत सारे और कोर्सेज आ गए हैं। इंडियन है क्या, नहीं बाहर से आया सर यहाँ पर। तो ये कह रहा कि भाई वो भी फाइनेंशियल सर्विस है, इंटरनेशनल नेचर की है, तेरा भाई देखेगा। ओ ऐसा क्या, यस। कह रहा अब ऐसे ही अगला फंडा जो हमारे पास निकल कर आया दैट वाज स्ट्रेट अवे रिलेटेड टू द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ IFSC। कह रहा सर अब मेरे को लग रहा है IFSC का आने वाला प्रोग्राम जो है आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमा लेगा ये। अच्छा ऐसा क्या यार, तो मैंने कहा यार इसमें पैसे लगा दें क्या, ठीक है क्या दिक्कत है। कह रहा सर मेरे को भी ऐसा लगता है कि IFSC की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे को आने वाले टाइम में होने वाली है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अब IFSC किस किस तरीके की लिस्टिंग कर सकता है। मैंने कहा IFSC को हमने बोला कि भाई या तो तू IPO ले आ, पहली बार जब पब्लिक इशू आएगा IPO ले आ, FPO ले आ, या तो फिर लिस्टिंग बाय स्टार्टअप कंपनी की तरह आ सकता है और SME की तरह आ सकता है, सेकेंडरी लिस्टिंग कर सकता है। सेकेंडरी लिस्टिंग समझते हो, शेयर आपके पास है, नए शेयर इशू नहीं कर रहे हो, बस शेयर आपके पास है उसको लिस्ट करने के लिए जा रहे हो। कह रहे सर आप IPO बाय SPAC, कह रहे या तो फिर लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स, कह रहे ऐसा कुछ कर रहे हो। कह रहे ये सारे तरीके आपके पास हैं, आप जिस मर्जी मेथड से आ जाओ। तो ऐसा क्या, यस। कह रहा लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, सर चैप्टर ना थोड़ा सीरियस हो गया है ना,
एक दो क्लास हमारी वैसे ही सीरियस होगी, लिस्टिंग ऑफ ESG फोकस्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स कह रहा है, और साथ ही साथ ठीक है कह रहा है, एक बात बताओ सर, अगर IFSC कोई भी है जो IFSC बनना चाह रहा है या IFSC जैसी इच्छा उसके मन में प्रकट हो रही है तो क्या किया जाए। मैंने कहा देखो पहली बात तो कंपनीज एक्ट प्ले में आया, आपको कंपनीज एक्ट के बारे में पता है? कह रहा हाँ, कंपनीज एक्ट है ना 23 सेक्शन है ना, नवनी मैम ने पढ़ाया ना, बस। तो जितनी भी पब्लिक इंडियन कंपनीज हैं उनको ये बोला गया कि आप यहां तो हो पर आप फॉरेन एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो सकते हो, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में मतलब। हाँ सर, जैसे कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज से क्या मतलब है आपका मेरे दोस्त? इससे मेरा मतलब है कि आपके यहाँ की कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, टाटा इंफोसिस। अच्छा ऐसा क्या? यस कह रहे आपको ये भी इनेबल किया गया, जैसे बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ पर भी तो है यार सर, जैसे कि HDFC बैंक, HDFC बैंक इंडियन है, ऐसा है क्या? हाँ HDFC बैंक इंडियन है। सेबी IFSC गाइडलाइंस आई, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि सर दो बातों का ध्यान रखना, IFSC गाइडलाइन और ICDR रेगुलेशन, और साथ ही साथ फॉरेन करेंसी डिपॉजिटरी स्कीम और आई मीन फॉरेन करेंसी डिपॉजिटरी स्कीम और जो सर्कुलर साथ में आते हैं उनका ध्यान रखते हुए आप जाओ ना सर आगे, किसने मना किया? अच्छा कह रहा कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनको हमने ये पावर दी है? कह रहा सर ये तो आपने बता दिया पीछे ही, हाँ अब मेरे को ये बताना है ये सारी एंटिटीज आर एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन IFSC। आप कंपनी बना लो सर IFSC में, इंडिया में कंपनी बना लो, फॉरेन कंपनी बना लो सर, पर इंडिया में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको IFSC के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दूंगा, ऐसा भी है। यस 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 कह रहे सर। अच्छा अब एक और चीज आपको बताता हूँ ठीक है, नहीं सुपर नेशनल वाला मेरे को नहीं बताना है, यहां पर आप कह रहा अगर मान लो आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लेकर आते हो IPO से, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ध्यान देंगे थोड़ा सा, एलिजिबिलिटी सर अगर मैं लेकर आता हूं IPO तो क्या करने की जरूरत है? कह रहा सबसे पहली बात कह रहा आपके पास एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए। बेटा यहां से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा सा ध्यान देंगे, एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं किसकी? कंसोलिडेटेड की ठीक है, तो यहां पर कितना होगा? एटलीस्ट दैट शुड बी एटलीस्ट 1 मिलियन USD। कह रहा दूसरी बात आपके पास साथ ही साथ ऑपरेटिंग रेवेन्यू होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 20 मिलियन USD, कब? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। कह रहा सर उसके बाद जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया आपको बता दिया जाए, इश्यू साइज कितना होगा सर? मैंने कहा ये भी होगा एटलीस्ट 15 मिलियन US डॉलर्स। कह रहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैंने कहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर दो बातें आती हैं, कह रहा पहला तो ये आएगा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 200 होंगे, यानी एक ही बंदे ने सारा खरीद दिया 200 सब्सक्राइबर कम से कम, एंड एटलीस्ट 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कह रहा तो मैं मानूंगा, और लॉकअप, लॉकअप कह सकते हो, लॉक इन कह सकते हो, फॉर लॉक्ड अप फॉर 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये क्राइटेरिया है अगर कोई भी IPO लेकर आता है। कह रहे सर IPO के आपने तो बहुत सारे तरीके बताए, आपने तो एक दो ही बताया हमारे को, जैसे मैंने क्या क्या बताया आपको? कह रहे सर आपने बताया यहाँ पर देखो आप भूल जाते हो सर, क्या भूल जाता हूँ मैं सर, आपने बताया कि अरे इधर 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 सर इधर, आपने बताया IPO से ला सकते हैं, FPO से ला सकते हैं, IPO FPO फंडा सेम है सर, आपने बताया था MSME से भी ला सकते हैं, स्टार्टअप कंपनी से भी ला सकते हैं, मेरे बाप सब बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं यहीं हूँ कहीं नहीं जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तुम लोग कमेंट करके भी डाउट पूछोगे भाई आंसर करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी टेंशन मत लेना ठीक है, कभी ऐसा नहीं सोचना है बेटा, कोई भी टीचर है PW पे वो कभी भी डाउट्स को मना नहीं, जितनी मर्जी बात पूछो। यार फंडे को समझो सर अभी एक बार और से,
अगर आप एज अ स्टार्टअप या तो फिर एसएमई आ रहे हो तो आपके पास कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। मैंने कहा वो कंडीशंस क्या है? कह रहा पहली कंडीशन जो निकल कर आती है दैट शुड बी एटलीस्ट 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कह रहा ठीक है। कह रहा दूसरी बात, आपका जो टर्नओवर है अगर आप एज एन एसएमई आ रहे हो, कह रहा टर्नओवर कैन बी शुड, या फिर ऐसा लिख सकते हैं शुड नॉट एक्सीड 20 मिलियन US डॉलर्स। ऐसा क्या? जी हाँ। कह रहा सर इसके साथ साथ दो बातें और बता देता हूं, और आपकी जो कंपनी है, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है यार कोई बोलता है कि मैंने मूंगफली बेचनी शुरू कर दी मेरा स्टार्टअप है, नहीं उसे स्टार्टअप नहीं कहते हैं प्लीज। अगर मैं कल को चाय बेचनी शुरू कर दूं तो सर वो स्टार्टअप नहीं है, कंपनी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन। आप इनोवेशन में डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स में काम। ऐसा क्या? ये कह रहा सर आपके पास स्केलेबल बिजनेस है एंड यू हैव हाई पोटेंशियल। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या? यस। कह रहा अब इसके ना कुछ बेनिफिट्स भी हैं सर आपको। मैंने कहा बेनिफिट क्या है? कह रहा कुछ फायदे भी हो जाएंगे अगर आप लिस्टिंग कर दोगे एज अ स्टार्टअप और एसएमई। मैंने कहा वो क्या? कह रहा सर तीन फायदे होते हैं देखो मेनली। कह रहा सबसे पहला फायदा जो होगा आपको डायरेक्ट लिस्टिंग का चांस मिल रहा है सर। छोटी कंपनीज वैसे ही डायरेक्ट लिस्टिंग का चांस उनको मिलता ही नहीं है। कह रहा ऐसा क्या? ये कह रहा स्ट्रेट अवे आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट लिस्टिंग पे आ सकते हो इवन विदाउट पब्लिक ऑफर। कंपनीज एक्ट में आपने क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा कि भाई हम पब्लिक ऑफर लाएंगे तो ही हम लोग लिस्ट कराएंगे। कह रहा सर बिना पब्लिक ऑफर के भी आप यहां पर आ सकते। अच्छा। कह रहा अब इसी वजह से सरकार ने कहा कि भाई डायरेक्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जब मन करे शेयर इशू कर दो पैसा ले लो, जब मन करे शेयर इशू कर दो पैसा ले लो। कह रहा सर और ऑफर साइज जो आपके यहां पर है, दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट, ऑफर साइज एटलीस्ट 2 मिलियन US डॉलर। ऐसा क्या? हाँ। कह रहा उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास इस सिनेरियो में एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स, और उसके साथ ही साथ एटलीस्ट 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फंडा क्लियर है? कह रहे सर अब बात करते हैं अगली एसपीएसी की। अरे ये तो हो गया साइलेंट फीचर, दोबारा क्यों आ गया? लिस्टिंग ऑफ एसपीएसी। सर एक बात बताओ सबसे पहले तो, ये एसपीएसी क्या है यार? एसपीएसी ना बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसका मतलब एक ही होता है कि ऐसा बंदा जो कोई काम नहीं करता, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। यानी कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ, हम लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। जैसे कुछ चीजें आप लेकर रख देते हो कि उनका कोई स्पेसिफाइड पर्पस है, इट हैज नो प्राइमरी बिजनेस। और इसके अलावा सर द ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इफेक्ट मर्जर, कि कल को अगर मर्जर की जरूरत पड़ेगी तो ये कंपनी हमारा मर्जर करवा देगी, इससे हम मर्जर या अमालगमेशन कर सकते हैं, शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं, कोई बिजनेस एक्विजिशन कर सकते हैं। इस कंपनी का पर्पस ही यही है। कभी स्पेशल कपड़े ले लेते हो स्पेशल ओकेजन के लिए, एसपीएसी वैसा ही है। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए आने वाले टाइम में कभी एक्विजिशन करने की जरूरत पड़ गई तो इस कंपनी के थ्रू एक्विजिशन कर देंगे। सामने वाली कंपनी खरीदनी है तो इसके थ्रू खरीदवा देंगे कि जाके खरीद ले। ओ कह रहा अब अगर लिस्टिंग की बात करता हूं तो सर लिस्टिंग में क्या होगा? मैंने कहा यहां पर सबसे पहली बात आती है ऑफर साइज की। तो ऑफर साइज आपका होगा एटलीस्ट 50 मिलियन US डॉलर।
ऐसा क्या? यस, दरअसल साथ ही साथ इसके अंदर जो आपका स्पॉन्सर होता है, जैसे QIBs होते हैं हमारे पास, यहाँ पर स्पॉन्सर शैल होल्ड एटलीस्ट। ट्वेंटी% ऑफ पोस्ट इश्यू शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। पोस्ट इशू मतलब इशू आने के बाद, पहले नहीं। 1000 करोड़ का अगर इशू आप लेकर आ रहे हो, 1000 करोड़, ठीक है, $50 मिलियन इतना बैठ ही जाएगा। 1000 करोड़ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें से अब सर इशू के बाद कितना है? सर 1500 हो जाएगा टोटल मिला के। 1500 का 20% इशू के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफर साइज कह रहा सर मिनिमम एप्लीकेशन साइज, कह रहा सर उस फंडे के अंदर अगर हम लोग बात करें, एटलीस्ट सर हम पैसे लगा दें। हाँ लगा दो, आपके पास हैं पैसे तो लगाओ। $250,000, ये एप्लीकेशन साइज है। इंडियन मार्केट में लगा देंगे 15,000 रुपए का। अरे क्लास में तो पहुंचो यार, मैं तुम्हारे को बताऊंगा कौन से आईपीओ में पैसा लगाना है, पैसा डबल होने के चांस है। ऐसा आप बता देते हो ये सब? हाँ मैं कैलकुलेशन करनी भी सिखा देता हूँ, सिंपल सा रूल भी बता दूंगा कि कभी भी पैसे लगाने हो, आईपीओ में निकलने के चांसेस कम होते हैं, पर निकल गया तो ब्रावो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 75%, 75% तो आना चाहिए सर। 75% नहीं आया तो इशू फेल। कह रहा उसके अलावा अगर हम लोग स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस की बात करें, प्लस इनको एक और काम करना होता है, दे हैव टू मेंटेन एस्क्रो अकाउंट खोलना होता है, जैसे सबको ओपन करना होता है ना पब्लिक इशू के केस में, इन्हें भी करना होता है। कह रहा सर उसके बाद इन्वेस्टमेंट पेंडिंग यूटिलाइजेशन, जो पैसा आया है उसे यूज कैसे करोगे, उसको लेकर भी इनकी गाइडलाइंस हैं। चले सर इसके अलावा एक्विजिशन टाइमलाइन, अगर आप किसी चीज को, कोई भी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हो, तो लॉ कहता है मैंने 3 इयर्स का टाइम आपको दिया, प्लस 1 ईयर का टाइम और दे रहा हूं। कह रहा 1 साल का टाइम और दे रहा हूं, कह रहा दो दो सिनेरियो आपको दे रहा हूं सर मैं यहां पर। कह रहा उसके बाद राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जैसे पब्लिक इशू में होता भी है, या पब्लिक इशू में नहीं एक्विजिशन में होता है, कि आप जा रहे हो सामने वाला, मैं कर रहा नहीं नहीं मेरे को कंपनी नहीं बेचनी, नहीं, तो भाई जबरदस्ती कैसे छीन लोगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर क्या कर लेगा, वो सब बातें। कह रहा अब लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, अगर आप डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि इसमें हम बातें करेंगे इंक्लूडिंग, अगर आपके पास दो चीजें और भी हैं जिसमें हम बच्चे बात करेंगे, ईएसजी बॉन्ड्स के बारे में, ईएसजी फोकस बॉन्ड्स प्लस स्मार्ट सिटी बॉन्ड्स। आपको पता है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, एक पता है किसी को? नहीं पता है हमारे को, कोई बात नहीं आप बताओगे सब, ठीक है ठीक है ठीक है। यार अब लिस्टिंग अगर इसकी बात करूं, तो यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में क्या क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। यार सर डेट सिक्योरिटीज आप इशू कर सकते हो, डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इशुअर्स इन IFSC, IFSC के अंदर जो भी इशुअर्स हैं वो इशू कर सकते हैं डेट सिक्योरिटीज। यार सर अब डेट सिक्योरिटीज, या तो फिर अच्छा एक काम करें, थोड़ा और बेटर तरीके से बनाएं इसको। नहीं सर और बेटर तरीके से मत बनाओ, आप इसी में बनाओ। ओके ठीक है। यार सर डेट सिक्योरिटीज फिर से जो आपकी इशू की जा रही हैं, दे आर इशूड बाय, दे आर इशूड बाय इशुअर्स इनकॉर्पोरेटेड। इन इंडिया और फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। ऐसा क्या? यस कह रहा ध्यान रखना, अदर देन INR, इंडियन रुपीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। और एक आता है मसाला बॉन्ड्स। एक बच्चे ने पता क्या बोला मेरे को, सर मसाला बॉन्ड्स, हाँ मसाले वाले होते हैं। हाँ, ऐसे बोला। एक बच्चे ने बोला सर एक पॉइंट तो हमेशा ही रहेगा। मैंने कहा क्या? कह रहा एनी अदर सिक्योरिटी, एनी अदर सिक्योरिटी एज मे बी नोटिफाइड। हाँ ये तो हमेशा सही रहेगा, पर इसके नंबर मिलते हैं, कहते ना वो सरकार कहती है आगे चल के बता देंगे बता देंगे और बता देंगे, कुछ हुआ तो और बता देंगे, तू जा तो सही।
ऐसे ही अगर यहां पर भी कुछ निकला तो सरकार कह रही है हम लोग आपको बता देंगे, तू जा तो सही आगे तक। अब आईएफएससी को लेकर सेबी ने भी गाइडलाइंस निकाल दी थी ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क पता चल जाए कि मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है और डिपॉजिटरी है, भाई सेबी के अंदर तो ये तीन चीजें आती हैं, ये कैसे काम करेंगे। और साथ ही साथ कभी भी अगर आईएफएससी किसी भी तरीके से इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी कर रहा है, कह रहे सर अगर ऐसा कर रहा है तो ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना। अच्छा, इन गाइडलाइंस को तभी फॉलो करना है अगर आईएफएससी क्या कर रहा है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे सर पहला पॉइंट, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी एंड शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे यहां पर निकल कर आता है, एलिजिबिलिटी एंड शेयर होल्डिंग लिमिट फॉर स्टॉक एक्सचेंज जो भी आईएफएससी में ऑपरेट करना चाहता है। कह रहा आप एक स्टॉक एक्सचेंज हो, आप आईएफएससी में आना चाहते हो, आप नए नहीं बन रहे हो, आप ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज हो, आप कहते हो मैं आईएफएससी का काम भी करूंगा। एक इंसान चाय बेचता है, पकौड़े भी बेचेगा, क्या प्रॉब्लम है। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहा आपकी एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग शैल बी हेल्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, और मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, स्टॉक एक्सचेंज के पास है, एंड जो रिमेनिंग है वो इनमें से किसी को भी दे दो, एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज, सबके पास मिला के भी हो सकती है, यस, डिपॉजिटरी, सर बैंकिंग कंपनी। कह रहे सर इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। कह रहा अगर आप क्या हो, आप एक स्टॉक एक्सचेंज हो, आईएफएससी में आना चाहते हो, फिर मैं कहता हूं कि आप क्या हो सर, आप कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो और आप आईएफएससी में आना चाहते हो, तो फंडा सेम है, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग किसके पास होनी चाहिए। कह रहा एटलीस्ट 51% किसके पास ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो, स्टॉक एक्सचेंज और सीसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, प्लस जो रिमेनिंग है उसमें जो पांच एंटिटीज आएंगी, कौन कौन सी पांच आएंगी, पांच भी नहीं छह आएंगी जो मैंने यहां पर लिखवाई हैं, ये पांचों एंटिटी सीए वाली 1 2 3 4 5 और ये पीएफआई, ये पांचों को वहां पे कॉपी कर देना। ऐसा क्या, इसमें वैसे कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस भी आते हैं। यस यस चलो अब अगली बात पे आता हूं। कह रहे सर अगले फंडे पर आता हूं, फॉरेन डिपॉजिटरीज जो डिजायरस हैं आईएफएससी में ऑपरेट करने के लिए। कह रहे सर फिर से, मैंने कहा फिर से सेम फंडा, सेम चीजें अप्लाई हो रही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, पर एक पॉइंट जरूर ऐसा कर दिया कि वेयर एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कह रहा और रिमेनिंग, मैंने कहा रिमेनिंग की तेरी मर्जी, बताया तो बाकी लोगों को दे दे। कह रहा पर अगर ये फॉरन है तो सर कोई बात नहीं, थोड़ी बाहर भी रहने देना, 51% इन लोगों के पास होनी चाहिए, बाकी को लेकर लॉ कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा, जा मुन्ना ऐश कर। कह रहा और उसके बाद हम लोगों ने एक और बात करी कि अगर आप यहां पर फॉरेन एंटिटी से आए हो सर, अगर आप फॉरेन एंटिटी से आए हो तो एनी इंडियन डिपॉजिटरी, एनी इंडियन रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी मैं कहूंगा, हमारे पास तो दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। बेटा एक बार मैंने एक बच्चे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा व्हाट इज डिपॉजिटरी, तो वो मुझे कह रहा है सर डिपॉजिटरी मीन्स एनएसडीएल और सीडीएसएल। मैंने कहा ये नहीं पूछा कि व्हाट आर द प्रिवेलिंग डिपॉजिटरीज इन इंडिया और व्हाट आर द डिपॉजिटरीज, कैन यू नेम सम ऑफ द डिपॉजिटरीज इन इंडिया। बात आपकी ठीक है, जो पूछा जाए वो तो बताओ ना, सही बात बताया करो। तो आप कह, मैंने कहा आप क्या कहते हैं, मैंने कहा आप मतलब हाउ डू यू डू, आप कह रहे हो मैंने यार राजमा चावल खाए, अब ठीक है भाई, पर जो पूछा है वो तो बताएगा ना। कोई इंडियन डिपॉजिटरी है अगर वो क्या करना चाहती है तो दे कैन ऑल्सो सेट अप अ ब्रांच। सेट अप अ ब्रांच कहां पर, आईएफएससी डिपॉजिटरी सर्विसेज करके।
ऐसा क्या सर, ये ब्रांच भी खोल सकते हैं? ये ऐसे इनको ये बोला गया कि आप जाओ सीधा वहां पर जाकर अपनी ब्रांच भी ओपन कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कह रहा और प्रिंसिपल सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं तो सेबी का पहले एक काम करना पड़ेगा सर, पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सेबी का अप्रूवल लाओ और अप्रूवल लाने के बाद आप इन सारी सिक्योरिटीज के अंदर काम कर सकते हो। अरे यार कहाँ जा रहा है यार, कहाँ जा रहा है पिंटू, लग गया गया बेचारा। कह रहा इक्विटी शेयर्स, कह रहा इक्विटी शेयर्स किसके, इंडियन कंपनी के? मैंने कहा नहीं, फॉरेन कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनीज जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हैं वो भी आपके लिए परमिसिबल सिक्योरिटीज हैं, और आप उनके अंदर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कह रहे सर कोई भी एनी करेंसी अदर देन इंडिया के अंदर आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अप्रूवल ले आना। कह रहे डिपॉजिटरी रिसीट के अंदर आप काम कर सकते हो। ओके, कह रहे इसके अलावा आप लोग डेट सिक्योरिटीज में काम कर सकते हो। कह रहा इसके अलावा आप करेंसी एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स रेट डेरिवेटिव्स पे काम कर सकते हो। कह रहा इसके अलावा सर आप लोग इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स पे काम कर सकते हो। कह रहा इसके अलावा आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हो। सर डेरिवेटिव क्या होता है? जो अपनी वैल्यू खुद से नहीं निकालता, अंडरलाइन शेयर्स बताते हैं। जैसे निफ्टी की कोई वैल्यू नहीं है, निफ्टी की वैल्यू वही है जो उसके आसपास के जितने भी शेयर्स हैं, 50 शेयर्स निफ्टी में, उनकी जो वैल्यू है वही निफ्टी की वैल्यू, और डेरिवेटिव ऑन इक्विटी शेयर। जरा सर फंडे को समझना, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिस्टिंग वाली चीजों को मत भूलना गलती से भी, साथ ही साथ IFSCA के ऊपर जो शॉर्ट नोट है उसको मत भूलना, और जो टैक्स एग्जाम्पशंस IFSC को मिलती हैं उनको भी मत भूलना, बहुत बहुत जरूरी है। पेपर में आज तक नहीं आया पर इनमें से आने की बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड एट CS वाला, और मिलते हैं जल्दी से अगली और इंपॉर्टेंट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय।